ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब थियो ने मैथ्यू का कंप्यूटर देख लिया। मैथ्यू ने सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में लव और जो का नाम है। थियो के अंदर का प्रेम जागा। वो पहुंचा लव के पास और उसने सब कुछ बता दिया। लव के होश उड़ गए। लव ने जो से बताया। जो ने उसे गले से लगाया और कहा, वी आर अ टीम, हर बाधा को पार किया है, इससे भी हम निकल ही जाएंगे। प्रेजेंट में जो हमसे बातें करता हुआ कहता है कि शादी एक खेल की तरह है। खेल में कभी हम खुश हो जाते हैं तो कभी खेल हमें बड़ा दुख पहुंचा देता है। शादी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब जब लव से जो का दिल उछड़ जाता है, वो मरियन को याद करता है, फ़ोन में उसके मैसेज ढूंढता है। इधर लव भी कौन सा कम है, वो खिड़की पर पहुँच कर थियो को ललचाने के लिए अपने वस्त्र उतार दिया करती है। हस्बैंड वाइफ शादी के पहले एक दूसरे के पीछे भागते हैं और फिर शादी के बाद एक दूसरे से दूर भागते हैं। वही प्रेम जो पहले एक दूसरे में तलाश करते थे, अब किसी और पार्टनर में ढूंढते हैं। और ये बात तो ओमनी प्रेजेंट है। फिलहाल तो थियो और लव की चैट चल रही है। बाद में जो लव के पास जाता है, वो कहता है कि अब से वो लाइब्रेरी के काम से लेट आया करेगा। लाइब्रेरी में उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा। फंड रेजर का प्रोग्राम शुरू हुआ है। लव ने इसकी इजाज़त दे दी। अब जो के पास मरियन के साथ बिताने के लिए काफ़ी समय है। पर यहाँ एकदम से मरियन की डॉटर आ गई। रायन ने उसे यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब मरियन काफ़ी खुश है। मरियन ने इसका नाम जूलियट रखा है। इधर थियो लव के पास पहुँचा है। वो उसे किस करने जाता है। लव उसे मना करती है। वो कहती है कि उसकी शादी टूट सकती है। थियो उसे मनाता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम कभी अकेली नहीं होगी। इतने में लव उसे कहती है कि मैथ्यू के कंप्यूटर से पता लगाओ कि उसने जो और मेरे बारे में क्या एविडेंस जुटाए हैं। थियो कहता है कि वो लव के लिए कुछ भी करेगा। जूलियट और मरियन और जो साथ में वॉक के लिए निकले हैं। जो अब रायन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। उसकी एक एक डिटेल उसे सोशल मीडिया से मिल जाती है। वो पाता है कि रायन अपने डेली रूटीन में बिजी रहता है। वो जूलियट के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालता। इधर मैथ्यू ने एक एक सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखनी शुरू की है, शायद कोई घर में आया हो। यहाँ लिंडे भी आती है। वो देखती है कि किस तरह मैथ्यू एक एक डिटेल की स्केच बना रहा है। मैथ्यू कहता है कि वो मर्डरर को पा कर रहेगा। जो इधर रायन के घर में घुसा है, उसके प्रोटीन ड्रिंक में वो कुछ मिला देता है। उसने उसकी एक बुक देखी है जिसमें नग्न अवस्था में मरियन की पिक्चर्स हैं। जो जब घर पहुंचता है तब लव बिल्कुल हॉट लग रही है। पहले तो जो को यकीन नहीं हुआ कि ये उसी की वाइफ है। इसके बाद लव जो का मुख मैथुन करती है। पर तभी जो को मरियन की नग्न पिक्चर की इमेजेस दिखने लगती हैं। जब जो ने इसे इनकार किया, तब जैसे तैसे लव ने अपनी भावनाओं पर काबू किया। लव से मिलने बाद में थियो आया है। थियो अपने प्रेम का इजहार करता है। लव थियो को किस करती है। इसके बाद दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। इन सब में जो है, जो कि रायन को स्टॉक करने में लगा है, उसके इरादे क्या है, ये अभी तक एक राज है। मरियन के फंडरेजर के प्रोग्राम में जो पहुंचा है और वो भी लव के साथ। यहाँ मौका देकर जब लव जो को किस करती है, तब मरियन देख लेती है। उसे अच्छा नहीं लगा। बाद में लव और मरियन की बातचीत होती है। लव बताती है कि उसका बेकरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। इतने में यहाँ रायन आ जाता है। मरियन लव को बताती है कि रायन उसका एक्स है। पर रायन को देखकर जो के होश उड़ गए। उसे तो रायन को देखना भी पसंद नहीं। इसी दौरान हेनरी की देखभाल का जिम्मा लव की मदर को मिला है। पर लव की मदर ने हेनरी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। उसे रात के अंधेरे में पैदल ही लिए चल पड़ी। वो भी क्या करती, गाड़ी खराब हो गई थी। इस बात पर लव ने अपनी मदर को डांटा और कहा कि आपने कभी अपनी फैमिली मेम्बर्स की परवाह नहीं की, ना अपने हस्बैंड की परवाह की, ना मेरे भाई फोर्टी की और ना ही मेरी की, इसीलिए आज आप अकेली हो। इधर मैथ्यू रोज घंटों सीसीटीवी फुटेज देखता है और फिर यहाँ सो जाता है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसे तो नेटली के हत्यारे का ऑब्सेशन हो गया है। इधर लव की मदर जोक से अकेले में मिलती है और कहती है कि लव सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, उसके अलावा किसी से नहीं करती। तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो, वो कभी भी तुम्हें ख़त्म कर सकती है। ये सब सुनकर जो के होश उड़ गए हैं। इधर मरियन परेशान है। जो जाकर उसे पूछता है कि उसकी उदासी की वजह क्या है। मरियन कहती है, जूलियट ने रायन को बता दिया कि हमने एक दिन साथ में बिताया है। रायन ने धमकी दी है कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। जो कहता है कि मैं इससे पहले रायन को बर्बाद कर दूंगा। मरियन कहती है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दो। जो जब लव के पास पहुंचा है, तब उसे शक की निगाहों से देखता है।
लव की मदर की एक एक बात जो को याद आ रही है। वो सोच रहा है कि क्या लव की मदर ने जो कहा वो सब सच है। लव उसके पास आकर अपने प्रेम का इजहार करती है। इस कहानी में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये सब समझ के बाहर है। मैथ्यू ने अब सारे सस्पेक्ट्स को लिस्ट से हटा दिया है। सिर्फ जो और लव पर नज़र रखी है। उसे पूरा यकीन है कि जो और लव ही नेटली के हत्यारे हैं। वो अब इन दोनों को सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है। इसी नोट पर ये कहानी का हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अब आगे क्या होगा हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के इसी नए मोड पर।